लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी की 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हुई है। इसमें पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। पीएम मोदी के अलावा यूपी में 50 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। किसे कहां से टिकट मिला है आपको इस वीडियो में बताते हैं। कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान, नगीना से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, एटा से राजवीर सिंह, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जय प्रकाश रावत, मिश्रिख से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से राम शंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे। हालांकि अभी यूपी की 30 और सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।